और भी इसकी सनक मैं बता रहा हूं, इसकी सनक कैसे चढ़ती है। याद है 2016 पांच राज्यों का चुनाव है और ये वही सनकी प्रधानमंत्री है। 2,34,000 एक दिन में कोरोना के मरीज पाए गए कि मानसिक तौर पे नरेंद्र मोदी यहां से सनकी है, इसको इलाज की बहुत सख्त जरूरत है और ये प्रधानमंत्री की योग्यता नहीं है इसके पास 1% का भी। श्री नरेंद्र मोदी के संबंध में क्या ऐसा नहीं लगता कि मानसिक तौर पे नरेंद्र मोदी यहां से सनकी है या बीमार है? और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसका भी उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं। ये वही प्रधानमंत्री है जो 2020 के अंदर सिर्फ 500 पूरे देश में कोरोना के मरीज थे या नहीं थे, या इनकी साजिश कहूं या कुछ भी समझ लीजिए आप, सिर्फ 500 मरीज के ऊपर पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था 3 महीनों के लिए। इसको क्या कहेंगे? सनकी कहेंगे ना, याद है आपको। अभी 5 राज्यों का चुनाव है और ये वही सनकी प्रधानमंत्री है जो पिछले साल सिर्फ 500 मरीजों पे पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया और इस समय कल 2,34,000 एक दिन में कोरोना के मरीज पाए गए। तब ये 5 राज्यों के चुनाव में चुनाव करने में व्यस्त है। तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि नरेंद्र मोदी एक सनकी मानसिक तौर पे रोगी प्रधानमंत्री हमने चुना है इस देश में? क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता? और भी इसकी सनक मैं बता रहा हूं, इसकी सनक कैसे चढ़ती है। याद है 2016 आप सबको याद होगा, 8 नवंबर की रात्रि जब ये टीवी के ऊपर आए थे और 8 बजे रात्रि को पूरे देश को क्या संदेश दिया था, भाइयों और बहनों आज रात्रि 12 बजे से 1,000 और 500 के नोट वैध नहीं अवैध हो जाएंगे, आपका घर में जो पैसा रखा हुआ वो रद्दी का टुकड़ा हो जाएगा। ये सनकी प्रधानमंत्री ही कोई कर सकता है, ये कोई सही व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसका मानसिक संतुलन यहां से बिगड़ जाए वही व्यक्ति ऐसी ऐसी हरकतें कर सकता है। और क्या कहा था उस समय के अंदर कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, नक्सलवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और 1,000 और 500 के नोट बड़े हैं वो आसानी से उग्रवादियों के पास पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान से पहुंच रहा है, बांग्लादेश से पहुंच रहा है, तो फिर 2,000 के नोट छापने की क्या आवश्यकता थी? यदि नरेंद्र मोदी की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, नक्सलवाद के खिलाफ थी, उग्रवादियों के खिलाफ थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, तो 2,000 के नोट छापने की क्या आवश्यकता थी, मुझे बताइए। और अब जब 5 राज्यों का चुनाव है तब इसको देश के नागरिकों की चिंता नहीं है, इसको चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की चिंता है, रैलियों की चिंता है। इतना गंभीर हालात अभी देश में बना हुआ है लेकिन यह सनकी प्रधानमंत्री, मानसिक तौर पर रोगी प्रधानमंत्री एक भी रैली नहीं बंद करना चाहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह सनकी प्रधानमंत्री है, मानसिक तौर से बीमार है, इसको इलाज की बहुत सख्त जरूरत है और यह प्रधानमंत्री की योग्यता नहीं है इसके पास 1% का भी। क्यों नहीं है इसके पास योग्यता? क्योंकि इसको देश के नागरिकों की चिंता नहीं है, देशवासियों की चिंता नहीं है, देश के हालात की चिंता नहीं है। इसको चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए और रैली करने के लिए इसको सबसे ज्यादा चिंता है, इसलिए इतना गंभीर आरोप लगा रहा हूं। और अभी तक जो मैं इसका रोल देख रहा हूं देश के प्रति,
तो इसके मानसिकता सही नहीं है, ये मानसिक तौर पे रोगी है। उसका भी उदाहरण है, 2002 में गुजरात दंगे इसी ने कराए थे, इसी प्रधानमंत्री के शासन काल में हुआ था और महीनों भर तक ये तमाशा देखता रहा था। और आज भी ये मानसिक तौर से रोगी प्रधानमंत्री है, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की बात करता है चुनाव में जाके, अपने ही देश के अंदर नफरत पैदा करने का काम करता है ये प्रधानमंत्री, इसीलिए ये मानसिक तौर से रोगी प्रधानमंत्री है। इसको इलाज की सख्त जरूरत है, और ऐसे व्यक्ति को एक सेकंड के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मांग करता हूं इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से, हाथ जोड़ के मांग करता हूं कि इसको प्रधानमंत्री की गद्दी से आप तुरंत बर्खास्त करें। इसको प्रधानमंत्री की योग्यता इसके पास नहीं है। देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए आपसे अपील कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के अंदर प्रधानमंत्री की योग्यता नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के पूरे देश के नागरिक से भी प्रार्थना कर रहा हूं कि इस मानसिक रोगी व्यक्ति की भाषाओं पे मत जाइए, क्योंकि ये इसने देश का पूरा बेड़ा गर्द करके छोड़ दिया है, ये देश का सत्यानाश कर दिया है इसने। आज देश का एक एक नागरिक हो, एक एक गरीब मजदूर हो, एक एक व्यापारी हो, कोई भी इसके शासन काल में सुखी नहीं है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।